हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में वाइल्ड कार्ड का एक बैग मंगाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैग रेड कलर में मैंने मंगाया है, 300 रुपये पड़ी है। आप देख सकते हो 330 रुपीज़ का है। और उसके बाद चलिए इसको खोलते हैं। लैपटॉप बैकपैक, और ये काफ़ी वाइल्ड कार्ड फेमस बैकपैक के लिए है। तो ये रही हमारी वाइल्ड कार्ड की बैग, और ये काफ़ी सॉफ्ट है, कुशंस वगैरह देख लो, थोड़ा सा मोटा है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अभी इसकी प्राइस लगभग 699-700 के आसपास पड़ रही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2299 है। इस तरह का दोस्तों दिखता है, इसकी MRP है 2299 रुपये, और 18 महीने की वारंटी है इस पर, और ये डीलर का स्टाम्प वगैरह लगाने के लिए, पर हमारे पास डीलर से हमने लिया नहीं है, हमने फ्लिपकार्ट से लिया है। कुछ इस तरह का फ्रंट व्यू है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा लंबा है, मेंस के लिए भी अच्छा है, स्कूल के लिए भी अच्छा है काफ़ी। ये एक चैन दी गई है, मैं अंदर से खोल के दिखाता हूँ, ये सारी चैन्स है। तो यहाँ पे आप देख लो काफ़ी हल्का सा है, तो ये बहुत ज़्यादा कुशंस वगैरह नहीं दिए हैं, हल्का है। एक चैन ये है, एक ये है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा बैग है ये, तो लंबाई अच्छी खासी है, लंबे लोगों पे काफ़ी सूट करेगा, ठीक है। और ये पीछे कुशंस दिए गए हैं, आगे देते तो और अच्छा लगता, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन ज़्यादातर आगे की ओर रहती है, उसी में हम लोग सामान रखते हैं। तो जितने कुशंस पीछे दिए जाते हैं उतने ही आगे देने चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का ऑलरेडी बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, पर फ्रंट साइड में स्क्रीन रहते हैं। तो ये काफ़ी पतला दिया गया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होने की उम्मीद नहीं। हाँ, ये गैप दिया गया है जिससे लैपटॉप आपका थोड़ा फिक्स रहेगा। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड की देख सकते हैं, यहाँ पे ये इनकी वाइल्ड कार्ड की ऑफिशियल लोगो है, बैच है, और ये अंदर में कुछ स्टिकर्स हैं, यहाँ पे आप देख लो जेन्युइन लिखा हुआ है, मतलब ये वेरीफाई है कि वाइल्ड कार्ड का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये उसके लिए QR कोड दिए हैं कि स्कैन करके आप वेरीफाई कर सकते हो। जगह जगह वाइल्ड कार्ड की मार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा बैक में आप देख सकते हो ये अच्छी खासी कुशंस दी गई है, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुशंस की कमी है अगर लैपटॉप बैकपैक है तो। और स्पेस की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ है स्पेस, तो स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे खड़े खड़े। स्पेस जो है सो ठीक ठाक है स्पेस, स्कूल में काफ़ी काम दे देगा, और ऑफिस वर्क के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 300 में ओवरऑल ये बहुत बढ़िया बैग है दोस्तों, अगर 300 में आप देख रहे हैं बैग, तो ये अगर आपको इस रेट में मिलता है तो काफ़ी अच्छा बैकपैक है, और ये लेने लायक है, कहीं भी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि 500 के ऊपर आप फिर स्काई बैग वगैरह देखना, हालांकि ये भी ठीक है, क्वालिटी बहुत पतली है, ये बहुत पतली है ये, और ज़्यादा मोटी नहीं है, काफ़ी पतली है ये, तो ये भी पतली है। और ये वाटरप्रूफ है कि नहीं वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिस्टर को लग रहा है, कहीं ना कहीं रेन से प्रूफ आपको देगी, जिस तरह की क्लॉथिंग है तो रेन प्रूफ तो मैं कह सकता हूँ। ये वाटर बॉटल होल्डिंग दी गई है, तो ये भी ठीक है, बट क्लॉथ बहुत पतला है, ये बहुत पतला है, तो ये कह नहीं सकता हूँ कितने महीने की रोबस्ट है। चैन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे होल्डिंग की भी ठीक है, यहाँ पे पकड़ने के लिए अच्छा होल्डिंग ग्रिप दिया गया है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी चौड़ा है, और इसकी एरिया बहुत तो ज़्यादा, लंबाई भी ठीक है, चौड़ाई भी ठीक है, लंबे लोगों पे काफ़ी सूट करेगी। ये मैंने रेड कलर में मंगाया था, और ये काफ़ी कम रेट पे मुझे मिल गई, बिग बिलियन डे सेल में आती जाती रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको पड़ा है। ऐसा वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब।